बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने पहले का लेक्चर देख लिया है। आप इलेक्ट्रो स्टैटिक के बारे में जान चुके हो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये आपको पता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में दो चार्ज आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, जिसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसके बारे में बताया कूलम्स ने। तो कूलम्स लॉ लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं, एंड कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था F इक्वल टू 1/4 Q1Q2/r2। ये फोर्स की आज कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि ये फोर्स किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कंजर्वेटिव इन नेचर के बारे में आपको जानकारी है, 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में ये डिटेल में स्टडी हम लोग कर चुके हैं। और ये कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है कि अगर किसी वर्क फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क लॉस नहीं होता है बल्कि स्टोर हो जाता है उस सिस्टम में, तो ऐसे फोर्स को नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है जैसे दो चार्जेस, इनके बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के सेंटर की तरफ लगेगा। जैसे इस चार्ज पे बात करें तो ये अगर फोर्स लगा रहा है तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स इसके सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा, और इस चार्ज पे इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इसके सेंटर की तरफ लग रहा। तो जब फोर्स दोनों चार्जेस दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अक्रॉस हो, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। आगे चल के पढ़ोगे बहुत सारे फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स कभी भी लाइन के अक्रॉस नहीं लगता बल्कि उसके नॉर्मल एक्ट करता है। तो ये आगे बात करेंगे नॉन सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव कई गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव कई टाइम्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स